गोंदिया जिले के तिरुड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र बेड़ीपार में जिला आरोग्य अधिकारी और आरोग्य विभाग के अभियंता के मिलीभगत से 6 करोड़ की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रात करीब 8:30 बजे पेशेंट दवा खाने में उपचार करने दवा खाना गया था, लेकिन उस समय दवा खाने में एक अटेंडेंट के अलावा नर्स, डॉक्टर और अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं रहने की वजह से उस पेशेंट को उपचार करने के लिए उतनी ही रात को 4 किलोमीटर दूर एक कोड़ी के शासकीय दवा खाने में जाकर उपचार करना पड़ा। मिली हुई जानकारी के अनुसार दवा खाना बनाने में और सुविधाओं के लिए लगभग 6 करोड़ की लागत से शासन ने खर्चा किया था, लेकिन जिला आरोग्य अधिकारी की लापरवाही से यह दवा खाना सुविधाओं से कोसों दूर है। प्राथमिक उपचार की दवाइयां और स्टाफ की व्यवस्था नहीं रहने से शासन के 6 करोड़ रुपए पानी में बह गए, ऐसा आरोप गांव के पदाधिकारी इनकी ओर से किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां के डॉक्टर और स्टाफ के लिए क्वार्टर बने हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले ठेकेदार के आदमी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ठेकेदार के आदमी वहां रह सकते हैं तो स्टाफ क्यों नहीं? डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद जो दवाइयां वहां होनी चाहिए वह दवाइयां भी दवा खाने में उपलब्ध नहीं है। जहां दवाइयां रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता होती है वह भी पुरानी फ्रिज है और बिना दवाइयों की खाली पड़ी है। इतना ही नहीं तो आरोग्य विभाग के अभियंता के आशीर्वाद से चल रहा काम भी ठेकेदार अपनी मनमानी से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शासन जो निधि जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया उस निधि का जिला आरोग्य अधिकारी और अभियंता के आशीर्वाद से दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं पप्पू सैयद ग्राम पंचायत काचेजनी से पदाधिकारी के नाते मैं इस बेड़ीपार की पीएससी में आज विजिट देने आया और मुझे रात में जो केस पता चली कि यहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से इतना मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूँ, जिला परिषद के DHO को और यहाँ के हेल्थ विभाग को, पूरे सिस्टम को, कि यहाँ जो अवस्था है, यहाँ एक तो RI फैसिलिटी, वैक्सीन की फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात एक है कि यहाँ मेन जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस अभी तक इशू नहीं किया गया। एम्बुलेंस नहीं रहने से डॉक्टर की टांग टूट गई है, वो कोई भी वैक्सीन लाना है पेशेंट को बाहर भेजना है, आधी रात को डिलीवरी का कभी भी समय आधी रात कुछ रहता है और उस वक्त पे वो पेशेंट आरोग्य विभाग से अपेक्षा रखता है कि मेरे को प्रॉपर फैसिलिटी मिलना चाहिए। यहाँ एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से इनकी टांग टूटी हुई है। दूसरी बात है कि यहाँ के जो फ्रिज, यहाँ फ्रिज नहीं है तो वैक्सीन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही टेस्ट हो, दो ही टेस्ट होते हैं, एक तो शुगर का टेस्ट होता है और हेमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। CBC है, मलेरिया है और वो जो वायरल है, बाकी के टेस्ट तो छोड़ दो, इनको वहाँ से तिरोड़ा से बुलाना पड़ता है। तो ये 6 करोड़ की लागत से जो PSC यहाँ बनी है 14 गांव के लिए, तो ये काय के लिए बनी है? पैसा शासन का किस के ऊपर खर्चा होने वाला है? पब्लिक के ऊपर खर्च होने के लिए यहाँ जो बनाई गई है और पब्लिक को सुविधा देने के लिए, तो उसका कोई प्रॉपर उनको वो नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ सबसे पहले क्वार्टर्स, जो क्वार्टर्स की अवस्था है, यहाँ ठेकेदार आके अपने लेबरों को यहाँ क्वार्टर्स में लाके रख दिया। ठेकेदार ने अपना तंबू लगा के अलग खड़ा रखना चाहिए ना, उसका तंबू में अलग उसके लेबर रहना चाहिए, या वो डॉक्टरों के स्टाफ के क्वार्टर में अगर वो ठेकेदार के लेबर रहेंगे तो यहाँ के क्वार्टर्स वाले कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ का स्टाफ कहाँ जाएगा? ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ ना अभी जो है एमओ का क्वार्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और यहाँ पानी की फैसिलिटी और बिजली की, एक बार लाइन गई तो यहाँ फिर तुम्हारा फ्रिज भी काम नहीं करता और कुछ नहीं करता। HSL की पोस्ट अभी तक हुई नहीं है यहाँ और लेबोरेटरी यहाँ टेक्नीशियन है ही नहीं है। इसके लिए यहाँ की सुविधा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये 6 करोड़ पानी में पूरे बह गए। आज यहाँ जो आके देखे, यहाँ की अवस्था देखे, यहाँ मिले हैं स्टाफ से तो यहाँ कोई भी नहीं, फ्रिज जाके देखो खाली पड़ा है और पेशेंट तो बहुत आते हैं यहाँ। एक बार अगर नाम अच्छा चल गया तो पेशेंट यहाँ पूरी सुविधा लेंगे, क्योंकि इंटीरियर का इलाका है। यहाँ से सोनेगांव, डब्बे टोला, इधर तुम्हारा नहर टोला, इधर रामपुरी वगैरह, इधर के पेशेंट पूरे यहाँ आने की सोचते हैं। अगर यहाँ की रेपुटेशन अच्छी रहेंगी तो यहाँ आएंगे, नहीं तो एक कोड़ी और तिरोड़ा। आप मेरे को बताइए कि यहाँ अगर फैसिलिटी अच्छी रहेंगी तो वहाँ का बर्डन तो कम होगा ना, तिरोड़े का, एक कोड़ी का, सुकड़ी का। आज यहाँ नर्स का स्टाफ नहीं है, वो खैरबुड़ी से आके यहाँ नर्स अपनी सर्विस दे रहे। यहाँ हर यानी 14 गांव, 14 PSC है, यहाँ सेंटर है, उपकेंद्र, 14 उपकेंद्र को यहाँ फैसिलिटी दी गई है, तो उतनी तो स्टाफ रहना चाहिए ना। तो यहाँ शासन ने, DHO ने यहाँ के अपना जाति से यहाँ प्रॉपर पर्सनल यहाँ इंटरेस्ट लेके यहाँ का काम पूरा करना चाहिए और व्यवस्थित यहाँ पब्लिक को यह समर्पित करना चाहिए। इतना मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मैं जय कुमार इनायत, राहनार बेड़ीपार, ग्राम पंचायत सदस्य। आज आम्ही PSC ला विजिट दिलेली आहे। PSC मध्ये
डॉक्टरला विचारणा केली की औषधी पूर्णपणे आहे किंवा नाही, इथं पेशंट ज्या प्रकारे आलेले आहेत त्यांना औषधी मिळणार की नाही मिळणार, डॉक्टराच्या मनाचं निघालं की आमच्या PSCला फ्रीज नाही, TTचे इंजेक्शन नाही, पुष्कळ सारी दवा PSCमध्ये अवेलेबल नाही, आम्ही करिता पेशंटला औषधी पूर्ण पुरवठा करू शकत नाही। रात्रीला एक घटना घडलेली होती, विकासजी आसाटे यांनी एक पेशंट घेऊन आलेले होते, पेशंटला TTचा इंजेक्शन लागत होता पण PSCमध्ये अवेलेबल TT इंजेक्शन नाही। अशी अवस्था जर PSCची राहिली, आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांचा जीव धोक्यात राहील। 6 करोडची PSC बनून तयार आहे, इथं रात्रीला डॉक्टर अवेलेबल नाही राहत, क्वार्टर बनून आहेत, डॉक्टर विचारणा केली की क्वार्टरमध्ये का बरं राहत नाही, क्वार्टरची साफसफाई नाही झालेली आहे करिता आम्ही क्वार्टरमध्ये राहू शकत नाही, असे आम्हाला उत्तर दिलेले आहे। क्वार्टरची चौकशी केली असता क्वार्टर साफ सफाई केलेली आहे करिता डॉक्टर उडवाउडीचे उत्तर आम्हाला देत आहेत। DOच्याला 5-6 वेळा आपण फोन लावले पण कॉल रिसीव केलेले नाही। ही व्यवस्था वरच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही पाचारण करून इच्छी व्यवस्था त्वरित व्हायला पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे। महाराष्ट्र TV 24 के लिए भूपेंद्र रंगारी, तिरोडा। पाऊस निसर्गाचं वरदान आहे पण त्याचबरोबर कडाडणाऱ्या विजा मात्र कधी कधी आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात। महाराष्ट्रात विजा पडून झालेल्या मृत्यूंची सरासरी चिंताजनक आहे। विजा पडणे आपण थांबवू शकत नाही पण आपण आपल्या जीवितांची काळजी घेऊ शकतो। विजा चमकत असल्यास मोकळ्या जागेवर राहू नका, पत्र्याचे शेड बसस्टॉपचा आसरा घेऊ नका, उंच झाडे विजेचे खांब याखाली उभे राहू नका। छतावर किंवा उंच डोंगरावर असाल तर खाली उतरा, पाण्याच्या मोठ्या साठ्यापासून दूर राहा, घरात विजेची उपकरणे हाताळू नका। दामिनी ॲप तुम्हाला नैसर्गिक विजेच्या संभाव्य धोक्यांची सूचना अगदी विनामूल्य देते, ते वापरा आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घ्या। आपत्ती व्यवस्थापन आयुष्याचे संवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।